तो क्या 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में संजू सैमसन नहीं खेलते नजर आएंगे? वेल, ये सवाल बहुत बड़ा है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जो ये कहते हैं कि अगर उन संकेतों को हम सही पढ़ रहे हैं तो संजू सैमसन आपको चैंपियंस ट्रॉफी में नजर नहीं आएंगे। संजू सैमसन और किस्मत बड़ी अजीबोगरीब है। संजू सैमसन वो खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म करते हैं बट सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हर बार डिसअपॉइंटमेंट उन्हीं के हिस्से जाती है। संजू ने सब कुछ किया, संजू ने अच्छी बल्लेबाजी की, संजू ने अच्छे रिकॉर्ड दिखाए, बड़ी टीमों के खिलाफ रन बनाए, बट वो ड्रॉप हो जाते हैं। लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका के सामने वनडे मैच खेला था, आखिरी मैच शतक था, बट ये बड़ी हैरानी की बात है कि ना वो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में है और संभवतः ना आपको वो चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अजीत अगरकर से एक सवाल पूछा गया कि संजू सैमसन का क्या होने वाला। तो अगरकर ने कहा, यार देखो, हम ऋषभ पंत को देख रहे हैं। ऋषभ पंत का एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था। ऋषभ हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं। केएल राहुल वनडे में एक टेरिफिक खिलाड़ी रहे और शानदार वर्ल्ड कप रहा है। अब अगर आपके पास केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ेगा। अब ये संजू की किस्मत है कि उन्हें बाहर बैठना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। अब चॉइस ये है कि केएल राहुल विकेट कीपर के तौर पर ओडीआई में है, ऋषभ पंत को आपने बैकअप विकेट कीपर के तौर पर रखा है वनडे में, कंपैरिजन में राहुल शायद पहली प्रायोरिटी में खेले, संजू और ऋषभ बैकअप बैठे, संजू के लिए जगह नहीं बनी। बट पॉइंट ये, संजू के लिए जगह क्यों नहीं बनी? क्योंकि ऋषभ पंत नो डाउट एक कमाल के टेस्ट प्लेयर है, अच्छा कमबैक किया है, बट एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो सकता था। डेढ़ साल से वो बाहर थे, लेकिन शायद सेलेक्टर्स को उनमें ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है। हालांकि ये बात अमित मिश्रा ने हमारे पॉडकास्ट में कही थी कि संजू 29-30 साल के हैं, शायद ऋषभ पर वो ज्यादा काउंट करें। हालांकि उम्र का फासला बहुत डिफरेंस नहीं हो, संजू के पास अच्छा खासा मौका है खेलने का, बट सेलेक्टर्स शायद ये मानते हैं कि ऋषभ ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले केवल 6 मैच है, केवल 6 मैच ओडीआई के, तो अगर केएल राहुल को 3 मैच यहां खिलाया जाता है, ड्रॉप भी किया जाता है, तो भी अगले 3 मैच ऋषभ के पास चले जाएंगे। दूसरा सवाल, ऋषभ पंत और संजू सैमसन के स्टैट क्या कहते हैं, यह भी समझना जरूरी है। तो ऋषभ पंत के अगर आप आखिरी के 30 मैच देखेंगे तो उधर 865 रन उनके हैं, 34 का एवरेज है, 106 का स्ट्राइक रेट है, 1 शतक, 5 अर्धशतक ऋषभ पंत के नाम है। अगर आप संजू सैमसन को जाएंगे तो रिकॉर्ड संजू के फेवर में ज्यादा है। संजू सैमसन ने 16 मैचेस में 510 रन बनाए हैं, 56 का एवरेज है, 100 का स्ट्राइक रेट है, 1 शतक, 3 अर्धशतक। यानी स्टैट्स के हिसाब से संजू सैमसन ज्यादा बेहतर प्लेयर है। हालांकि टेस्ट में ऋषभ पंत का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन वनडे के स्टैट संजू के अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद भरोसा उन्हें नहीं समझ में आ रहा। अब प्रॉब्लम यह है कि कई लोगों को संजू में बड़ा भरोसा रहा, जैसे एक रॉबर्ट थप्पा प्लेयर है, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि संजू अभी भी शायद बाहर नहीं है, गंभीर हो सकता है उन्हें मौका दें, हो सकता है टाइम पर अपॉर्चुनिटी आए, बस मसला ये है कि उन्हें जहां भी मौका मिले वहां सॉलिड परफॉर्मेंस दें, T20 में खेलने का मौका मिले वहां अच्छा करें, और अगर ऐसा वो करते हैं तो फिर कहानी अच्छी हो सकती है। हमें लगा ठीक है, देखते हैं। हालांकि संजू सैमसन को लेकर अनफॉर्चुनेट यही कहानी कि लास्ट जो मैच था उनका उसमें उनके 100 था, और उस 100 के बाद बाहर होना थोड़ा अनफॉर्चुनेट था। संजू सैमसन अगर T20 फॉर्मेट में भी जगह पाते हैं तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिहाज से भी T20 में मौका तो मिला है, लेकिन T20 में वर्ल्ड कप में पूरे टाइम बाहर बैठे थे। ऐसे में ऋषभ पंत के सामने श्रीलंका सीरीज में क्या उन्हें मौका मिलेगा? अगर मौका मिलेगा तो उनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है कि उस दरवाजे को वो तोड़ कर जाए, ऐसी परफॉर्मेंस दें जिसके बाद उनके वनडे के लिए सिलेक्शन की मांग तेज हो। अगर ऐसा होता है तो उनकी किस्मत, नहीं तो किस्मत से तो नाराजगी उनकी चली रही है। बट ओवरऑल क्वेश्चन रिमेन सेम कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी संजू सैमसन बाहर है, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में इन दोनों में से कोई खेल सकता है या नहीं? लगता है क्लियर है, 3 मैच तो यही है, आगे के 3 और हैं, बहुत मुश्किल है। व्हाट्स योर टेक?